हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट अप माय किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सॉफ्ट स्पंजी इडली रेसिपी। तो आप देख सकते हैं इडली जो है अब बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। जो लोग पहली बार बना रहे हैं आप इसी तरह से फॉलो कीजिए, आपकी जो इडली है बहुत ही नरम और स्पंजी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी बिना छिलके वाला उड़द दाल जो है ले लिया है, और इसी कटोरी से तीन कटोरी हम चावल लेंगे। तो यहाँ पे मैं जो चावल ले रही हूँ नॉर्मल चावल है, जो हम घर में यूज़ करते हैं खाने के लिए, वही चावल मैंने लिया है। इसके लिए कोई भी स्पेशल चावल मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे तीन कटोरी चावल ले लिया है और एक कटोरी उड़द दाल हमने इसमें डाल दिया था पहले, और उसके बाद में हम इसे धो लेंगे तीन से चार बार पानी से। लेकिन उसके पहले हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच मेथी दाना, क्योंकि हम इसमें ना ही सोडे का यूज़ कर रहे हैं ना ही इनो का। तो इसमें हम एक छोटा चम्मच मेथी दाना डाल के अच्छे से धुल लिए हैं, और उसके बाद में पानी डाल के हम इसे फूलने के लिए रख देंगे कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए। तो 7 घंटे हो चुके हैं, जो चावल और दाल है अच्छे से फूल चुके हैं। तो अब हम इसे पीस लेंगे। पीसेंगे हम इसे ज़्यादा पतला जो बैटर है नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे और हल्का दरदरा पीसेंगे, क्योंकि इडली जो है बनाने के लिए हमें थोड़ा गाढ़ा और दरदरा पेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप इसका डोसा बनाना चाहते हैं तो जो पेस्ट एकदम महीन पीसिए, तो आपका जो डोसा है वो भी इससे बन जाएगा। तो मैं आपको पीस के दिखाती हूँ। देखिए मैंने जो है पानी बहुत ही कम डाला है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका जो पेस्ट है बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो थोड़ा सा पानी डाल के उसको इस तरह से पतला कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो इडली जो है फ्लैट हो जाएगी, फूली हुई नहीं बनेगी। तो सारा जो दाल है चावल है उसे मैं पीस के ले ले रही हूँ। ये देखिए हमने सारा जो दाल चावल है पीस के ले लिया है, और इसे हम फूलने के लिए छोड़ देंगे कम से कम रात भर के लिए, ताकि ये फूल के जो खमीर जब तक उठेगा नहीं तब तक जो इडली है हल्की नहीं होगी, स्पंजी नहीं बनने वाली है। तो रात भर छोड़ने के बाद में देखिए सुबह हो चुका है। तो मैंने एक बार इसे चला दिया था, आप देख सकते हैं काफ़ी ये ऊपर आ गया था और ये फूल के काफ़ी हल्का हो जाता है। ये देखिए काफ़ी जो हल्का जो है इसका बैटर हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे नमक, और नमक डालने के बाद में इसे अच्छे से फेंट लेना है। तो इडली का जो बैटर है तैयार हो चुका है बनाने के लिए, और यहाँ पे मैंने लिया है इडली बर्तन। इडली बनाने वाला जो बर्तन मिलता है मार्केट में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा किसी भी दुकान पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे नीचे जो है पानी डालना चाहिए आपको, तो जो नीचे का आप लेयर देख रहे हैं उससे थोड़ा सा नीचे ही पानी रखना है, 1 इंच के लगभग नीचे। और यहाँ पर इडली के जो बर्तन है उसमें इस तरह से तेल लगा लीजिए, ताकि जो इडली का बैटर है इसमें चिपके नहीं, बहुत ही आसानी के साथ में जो हमारी इडली है निकल आए। तो मैं यहाँ इसमें अच्छे से तेल लगा के ले रही हूँ। तो सारे बर्तन में तेल लगाने के बाद में आप इसमें चम्मच की सहायता से इडली बैटर जो है डालिए, और ज़्यादा ऊपर तक इसे नहीं भरना है, क्योंकि इडली जब पकेगी तो भी फूलेगी और ये काफ़ी ऊपर तक आ जाता है, तो आपको थोड़ा सा कम ही इसे भर के रखना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने पूरा ऊपर तक नहीं भरा हुआ है, थोड़ा सा छोड़ा है ताकि ये फूलने के बाद में अपनी जगह पूरी ले ले। और यहाँ पे जो है बर्तन में पानी रख के मैंने गैस पे चढ़ा दिया था, गैस को स्लो करके जो इडली का जो बर्तन है ये प्लेट है इसे हम इसमें रख देंगे। इसे बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 5 मिनट के अंदर आपकी जो इडली है अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो सारे बर्तन रखने के बाद में हम इसे ढक देंगे। और 5 मिनट के बाद में हमें चेक करते हैं जो इडली है तैयार हुई कि नहीं हुई। 5 मिनट के हो चुके हैं और इडली काफ़ी ऊपर तक फूल चुकी है। तो एक चक्कू की सहायता से हम इसे चेक करेंगे, इस तरह से डालिए और निकालिए। अगर कुछ भी चिपका हुआ नहीं है तो समझिए जो इडली है तैयार हो चुका है। और उसे हमने निकाल के इस तरह से ठंडा होने के बाद में चम्मच की सहायता से आप इस तरह से घुमा के निकालिए, काफ़ी अच्छे से आसानी के साथ में जो इडली बाहर निकल आएगी, क्योंकि हमने जो तेल है इसलिए लगाया था ताकि जो इडली है अच्छे से निकल जाए। इसी तरह जो सारा इडली है मैं निकाल के लेती हूँ।
आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट इडली जो है बन के तैयार हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं यहाँ पे चम्मच से निकालने के बाद मैं आपको चक्कू से भी निकाल के दिखाती हूँ कि आप चक्कू की सहायता से भी बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हैं। ये देखिए, तो आप भी ट्राई कीजिए इडली घर पे बनाना, आप मार्केट की इडली खाना भूल जाएंगे, क्योंकि घर पे ही अगर आप इतनी अच्छी टेस्टी इडली बनाएंगे तो बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं सारा जो इडली है इसी तरह से निकाल लेती हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि जो इडली है कितने अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है और कितनी नरम है वो और स्पंजी है, वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है ये, और इसे तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छे इसके जो स्पंजी इडली जो है बनी हुई है। तो जो सारा इडली है मैं निकाल के एक प्लेट में लगा के आपको दिखाती हूँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी को, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे मैंने जो सारा इडली है निकाल लिया है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है और खाने में उतना ही टेस्टी। तो इसे मैंने नारियल की चटनी के साथ में सर्व किया है।